सब्सक्राइब कीजिए आईटेक चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, आईटेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कमाल की और धमाकेदार एप्लीकेशन बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपनी मोबाइल की कीबोर्ड की काया ही बदल देंगे। दोस्तों, हम हमारे मोबाइल को नया लुक देने के लिए नए नए वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर, लॉन्चर इंस्टॉल करते रहते हैं, मगर हम इस बीच कभी भी कीबोर्ड के बारे में नहीं सोचते और वही पुराना घिसा पिटा कीबोर्ड यूज करते रहते हैं। मगर आज ऐसा नहीं होगा। अब अपने पुराने कीबोर्ड को कर दीजिए अलविदा और नए कीबोर्ड के वेलकम की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के बाद आपके पास एक ऐसा कीबोर्ड होगा जिसे अभी तक आपने कभी यूज नहीं किया होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम सीधे पॉइंट की तरफ जाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं आईटेक। तो सबसे पहले आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी और इस ऐप की जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके डायरेक्ट आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल दोस्तों, आप इस ऐप को ओपन कीजिए। ओपन करते ही आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको इस ऐप को बहुत ही अच्छे से परमिशन देनी होगी, नहीं तो ये ऐप अच्छे से काम नहीं करेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी आपको इनेबल करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई तरह की परमिशन आ जाएगी। तो पहले आप इस ऐप को अच्छे से परमिशन दे दीजिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने कीबोर्ड पर पहले भी दो वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी आप जरूर से देखिएगा और आपको इस वीडियो के एंड में भी वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो आप चाहते हैं कि आप कीबोर्ड के बारे में और कोई नया वीडियो देखें तो इस वीडियो को भी आप जरूर से देखिएगा। तो ये एक बार कंप्लीट हो जाता है, आप सब कुछ परमिशन अच्छे से दे देते हैं, उसके बाद आप यहां पे देखेंगे तो आपके सामने बहुत सारी कीबोर्ड आ जाएगी। आप यहां पे देख लीजिए, मैं यहां पे इसको लास्ट बार परमिशन दे देता हूं। तो यहां पे परमिशन सब कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद आप यहां पे देखेंगे आपके सामने बहुत सारी कीबोर्ड आ चुकी है और यहां पे जो भी कुछ कलर है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही कमाल की यहां पे हमें कीबोर्ड दिखाई दे रही है। और यहां पे आपको हर तरह की कीबोर्ड देखने को मिलेगी। अगर आप एक लड़की हो तो आपको फीमेल मतलब गर्ल्स की भी बहुत सारी कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगी, मेल यानी लड़कों के भी लिए बहुत सारी कीबोर्ड मिलेगी। यहाँ पे हर अलग अलग तरह की पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सिंपल कीबोर्ड भी है, बहुत तरह की एनिमल कीबोर्ड है, या मतलब यहाँ पे कीबोर्ड की भरमार है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड कैसे डाउनलोड करनी है। तो जो कीबोर्ड आपको पसंद है उस पर सिंपल आप क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा डाउनलोड, तो सिंपल आप इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में प्ले स्टोर अपने आप ही ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉल, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, यानी इस कीबोर्ड को आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल हो जाने के बाद सिंपल है दोस्तों, आप इस ऐप को ओपन कीजिए। जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब सिंपल सा यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये जो भी कीबोर्ड है ये कीबोर्ड आपकी डिफॉल्ट कीबोर्ड बन जाएगी। तो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, कुछ ज्यादा हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस अप्लाई करना है और ये कीबोर्ड हमारी जो है वो डिफॉल्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये कीबोर्ड बहुत ही कमाल की यहाँ पे लग रही है। तो चलिए हम इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आ चुके हैं हम हमारे व्हाट्सएप पर, तो आप यहाँ पे सुन सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें बबल टोन सुनने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको कई तरह के सेटिंग मिल जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कीबोर्ड है जिसे आप लगा सकते हैं और अपनी जो कीबोर्ड का लुक है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन मुझे बहुत ही कमाल की लगी। तो चलिए अब यहाँ पे हम कुछ सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इसका वॉल्यूम कम करना है या फिर वाइब्रेशन कम करना है तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग का बटन दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेटिंग का बटन है, ये रहा सेटिंग का बटन। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे सेटिंग ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसका वॉल्यूम कम करना चाहते हैं तो सिंपल है, यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं, वाइब्रेशन भी कम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कई तरह के सेटिंग मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मुझे ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की लगी, जिससे हम हमारे कीबोर्ड को चेंज कर सकते हैं, कुछ नया ला सकते हैं। तो आशा रखता हूँ दोस्तों आपको पूरी तरीके से पता चल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय।